सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पहले चरण का चुनाव निपटने के बाद अब सभी पार्टियों के दिग्गजों ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ भाजपा समेत सभी दलों के नेताओं ने दूसरे चरण में अपने उम्मीदवारों का माहौल बनाने के लिए पूरा दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने दूसरे चरण के चुनाव वाले जिलों में शुक्रवार को ताबड़तोड़ जनसभाएं की और अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को होना है। इसके लिए शनिवार यानी कि आज शाम प्रचार थम जाएंगे। यही नहीं, गोवा उत्तराखंड में भी आज प्रचार थम जाएंगे, जिसके लिए कई दिग्गज आज उत्तराखंड की भूमि पर भी मौजूद हैं। और इसी कड़ी में आज लगातार जनसैलाब देखने को मिल रहा है, जनसभाएं हो रही हैं और शाम 5 बजे के बाद अब ये प्रचार थम जाएंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीते दिन उत्तर प्रदेश में भी लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं देखने को मिली और आज उत्तराखंड की भूमि पर सब मौजूद हैं। बात करें अखिलेश यादव की तो उन्होंने कल रामपुर का दौरा किया था और आज जो बदायूं में जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं कई बड़े दिग्गज, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो, सभी आज उत्तराखंड में मौजूद हैं, उत्तराखंड की जनता को संबोधित कर रहे हैं। कई दौरे हैं और अब फैसले का समय नजदीक आ गया, यानी कि दूसरे चरण का चुनाव जो कि 14 तारीख को होना है, दूसरे चरण का चुनाव जिसके लिए आज से प्रचार तो थम जाएंगे, लेकिन प्रचार थमने के साथ ही अगले चरण यानी कि तीसरे चरण की तैयारी में सभी दल जुट जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान जहां 14 फरवरी को है, जहां 9 जिलों की कई विधानसभा, कम से कम 55 सीटों पर मतदान होना है 14 तारीख को। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सहारनपुर से संवाददाता सुहेल गौड़ जुड़ चुके हैं। सुहेल, जिस तरह से तैयारियां देखने को मिली है सभी दलों की, क्या कहेंगे, कहीं कोई कमी रह गई है या फिर तैयारियां पहले से ज्यादा है? मैं आपको दूसरे चरण का जो है और जिसका प्रचार प्रसार आज शाम में जो है, अगर बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में पुलिस और रास्ता बना दी है। जनता रोड पर जो है पोलिंग का गया है, जहां से पोलिंग पार्टियां जो है 13 तारीख में कल रवाना हो जाएंगी। और अगर बात करें 25 तारीख, तो आज शाम 6 बजे सभी जो पार्टी है उनका प्रचार और प्रसार थम जाएगा। तो सहारनपुर योगी आदित्यनाथ 3 विधानसभा है जनता से लेने की अपील करेंगे और इस समय वो जो है नगला माफी शाकुंभर में पड़ता है, उसमें इस समय मौजूद। जी शिखा जी, बिल्कुल। हमारे साथ तुषार वर्मा भी जुड़े हैं बिजनौर से संवाददाता। तुषार, जिस तरह से प्रचार प्रसार देखने को मिला, बीते दिन ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिली है हर जिले में, जहां पे भी दूसरे चरण में चुनाव है, तो क्या कहेंगे, जिस तरह से बिजनौर में चुनाव प्रचार हुआ है, किस चरम पे देखने को मिला, क्या कोई कमी रही, क्या विपक्षी पार्टियों ने कम प्रचार किया है या फिर सत्तारूढ़ बीजेपी ने धमाकेदार प्रचार किया? जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि बिजनौर जनपद में 8 विधानसभा सीट हैं और 8 विधानसभा सीट के लिए लगातार राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता बिजनौर में पहुंचे थे, जिन्होंने रैलियों को संबोधित किया था, रोड शो भी किया था। बिजनौर जनपद में 3 बार सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दौरा किया गया है। उसके बाद जेपी नड्डा जी बिजनौर पहुंचे थे, फिर स्वतंत्र देव सिंह ने यहां पर एक रैली को संबोधित किया था, उसके बाद जयंत चौधरी और अखिलेश यादव द्वारा एक रैली को संबोधित किया गया था और वहीं रोड शो भी निकाला गया था। आज बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं। उसके बाद कल बीते दिन जो है जो कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी, उनके द्वारा एक वर्चुअल रैली कर जनता को संबोधित किया गया था। जी सुहेल, सहारनपुर में जिस तरह से प्रचार प्रसार देखने को मिला, AIMIM चीफ भी आए, तो क्या लगता है उनके खाते में कुछ सीटें जा सकती हैं या नहीं, कैसा प्रभाव रहेगा? देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं, अभी पिछले रोज ही, कल ही यहाँ पर AIMIM चीफ जो है उन्होंने एक विशाल जनसभा का जो है यहाँ पर आयोजन किया, उसमें शिरकत की थी।
और AIIMM के लिए वोट भी मांगे थे। इसी के साथ जो है जयंत चौधरी की अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी ने भी यहाँ एक विशाल जनसभा का आयोजन किया सहारनपुर में कल ही और अपनी पार्टी के लिए गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट दिए। इसी के साथ अगर बीजेपी की भी बात करें तो बीजेपी में भी लगातार यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह हों, उन्होंने डोर टू डोर जो है जाकर वोट मांगा, केशव प्रसाद मौर्य हों या फिर प्रधानमंत्री मोदी हों। 10 तारीख को ही प्रधानमंत्री मोदी और साथ में उनके सीएम योगी ने यहाँ पर जो है एक विशाल जनसभा को संबोधन किया था और बीजेपी के लिए वोट मांगे थे। आज खुद मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर जो है भेट विधानसभा क्षेत्र की बात हो या फिर नुकुड़ की गंगो की बात हो या देवबंद और रामपुर सीट के लिए जो है वो दो विशाल जनसभा आयोजन किया गया है जिसमें जाकर वो बीजेपी के लिए वोट मांगे गए। तो लगातार जो है जो राष्ट्रीय नेता है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टियों के प्रत्याशियों को जो है जनता का समर्थन मिले और उसके लिए तमाम जो है वोट मांगे जा रहे हैं। ये तो भविष्य ही बताएगा कि किसकी पार्टी कामयाब होगी, किसके प्रत्याशी कामयाब होंगे। लेकिन आज शाम 6 बजे तक जो है सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपनी समस्त जो है ताकत लगाकर जो है इसे झोंक दिया। जी ठीक है जी। तुषार, बिजनौर में 8 विधानसभा है, अगर बात करें पिछले चुनाव की तो पिछले चुनावों के नतीजे क्या आए थे, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं जो पिछले चुनाव बिजनौर में हुए थे, बिजनौर विधानसभा की 8 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें 6 सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया था और अब जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो कि गठबंधन और भाजपा में ही बिजनौर जनपद में सभी विधानसभा सीटों पर टक्कर देखी जा रही है। जी तो क्या लगता है कितनी सीटें भाजपा के पाले में जा सकती है और कितनी सपा के पाले में जा सकती है, जो उम्मीदवारों में टक्कर है क्या देखने को मिल रहा है, जनता का रुझान? देखिए आपको बता दूं कि गठबंधन जो प्रत्याशी है उनके साथ पूरा हुजूम जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसान हो या जाट समाज हो या किसी भी बिरादरी का कोई व्यक्ति हो, उनके गठबंधन प्रत्याशी के साथ ज्यादा से ज्यादा जनसैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा की बात की जाए तो बिजनौर की जो जनता है वो भाजपा से थोड़ी नाराज दिख रही है क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच कम पहुंचे थे और कोई बोलता है कि वो व्यवहारिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, इसलिए गठबंधन की ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि बिजनौर जनपद में जो है वो सबसे ज्यादा गठबंधन की सीटें ही हासिल हो पाएंगी। यहाँ जी सुहेल, सहारनपुर में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए जनता वोट देती है और इस बार क्या अहम और नए मुद्दे निकल कर आए हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जनता इस बार अपना मतदान देगी? देखिए शिखा मैं आपको बता दूं यहाँ की जो मेन समस्या है वो वही है, रोजगार की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। लेकिन अगर बात करें तो एक नया मुद्दा जो किसान आंदोलन के बाद यहाँ पर पश्चिमी के अंदर बड़ा निकल कर आया और देशव्यापी आंदोलन हमें देखने को मिला था, उसमें एक जाट लैंड कहा जाता है पश्चिमी यूपी को, तो जाट लैंड के जो वोट है उन्हें सभी पार्टियां जो है उन वोटरों को साधने के प्रयास कर रही है। इसमें जो है राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर बीजेपी हो या फिर सपा हो, सभी अपनी अपनी ताकत जो है यहाँ पर झोंकने का काम कर रही है। सहारनपुर में 7 विधानसभा सीट है जिसपे 71 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से 7 सीटों में बात की जाए तो यहाँ पर गठबंधन के सपा प्रत्याशी या फिर उसी के साथ साथ जो है बीजेपी के प्रत्याशी, इन दोनों प्रत्याशी में कड़ी टक्कर जो है नजर आ रही है। लेकिन एक दो विधानसभा क्षेत्र ऐसे यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबले जो है सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें से एक सीट नुकुड़ की बात अगर की जाए तो वहां पर जो है किसानों का प्रभाव रहता है, लेकिन वहां पर जो है बीएसपी के साहिल खान भी जो है त्रिकोणीय मुकाबले में जो है नजर आ रहे हैं। जी। अभी बात करें सहारनपुर के जो है मुद्दों की तो वही यहाँ के मुद्दे हैं, समाज, सुरक्षा, सड़क, पानी और इससे निकलकर जो है अब किसानों की समस्या भी पूरे देश के सामने है, ये प्रमुख मुद्दे सहारनपुर से रहेंगे। जी शिखा जी। तुषार, अगर बात करें बिजनौर की तो बिजनौर में कौन कौन से मुद्दे देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से पिछले चुनावों में योगी मोदी की लहर थी और लहर के दौरान जो वादे किए गए थे वो क्या पूरे हुए इन 5 सालों में? जी देखिए मैं आपको बता दूं पिछले चुनाव में जो वर्तमान सरकार है इसने जो वादे किए थे जहाँ से 80% यहाँ पर पूरा हुआ है, उन वादों को पूरा किया गया है। हम बात करें विकास की तो यहाँ पर विकास भी पूरी तरीके से हुआ है, लेकिन कहीं कहीं विधानसभा क्षेत्रों में जो समस्या है वो सड़क की समस्या है सबसे ज्यादा। आप बिजनौर का जो एक हाईवे है दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे, ये बिल्कुल ही खराब पड़ा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, गाड़ी उसमें जाती है तो गड्ढे में उछलती रहती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो समस्या है वो सड़क की है। जी सुहेल, जिस तरह से बीते चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं और जो दावे वादे किए गए थे, क्या लगता है उन दावे और वादे और जो जनता ने अपना समर्थन दिया था तो उनको देखने के बाद क्या जनता अपनी वही गलती दोहराएगी या इस बार दूसरे प्रत्याशी पर दाव लगाएगी?
देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो 2017 विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एक प्रचंड बहुमत जो है बीजेपी को जो है जनता ने देने का काम किया था। लेकिन बात की जाए कुछ मुद्दों को छोड़कर, अगर सुरक्षा की बात करें, कानूनी व्यवस्था की बात करें, तो कुछ एक मुद्दों को छोड़कर जो है काफी मुद्दों पर जो है बीजेपी या बीजेपी के जो योगी आदित्यनाथ सीएम कैंडिडेट के सामने आए थे वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए अब की बार देखने में आ रहा है कि सपा की भी एक कड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को देती हुई जो है नजर आ रही है। ये तो भविष्य बताएगा कि कौन कामयाब होगा, लेकिन कड़ी टक्कर एक देखना जरूर यहाँ पर रहे। जी तुषार, जिस तरह से जनता का कहना है कि वोट मांगने तो प्रतिनिधि आ जाते हैं लेकिन वक्त पे गायब हो जाते हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके शिकायतें हैं, वो चाहे पानी की निकासी की हो, क्योंकि बारिश का समय होता है तो काफी परेशानियां होती है जनता को, और ऐसे सड़क के मुद्दे जहाँ पे सड़क गड्ढा युक्त है, अभी भी गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी, तो ऐसे भी बहुत मुद्दे हैं जिनको लेके जनता नाराज है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, और गरीब तबके के लोगों को इन चीजों की खासा परेशानी होती है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अभी एक जो बिजनौर के सदर विधायिका हैं सूची मौसम चौधरी, उनके द्वारा एक सड़क का निर्माण कराया गया था। जैसे ही उस सड़क का शुभारंभ करने वो पहुंची तो उन्होंने नारियल सड़क पर मारा, तो नारियल तो टूटा नहीं लेकिन सड़क टूट गई थी। तो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचारी इसमें देखने को मिली थी और विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर उछाला था। वहीं बात की जाए चिकित्सा की, तो यहाँ पर अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी। साथ ही कोरोना काल में यहाँ पर ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। और जो विकास का मुद्दा है, जो जैसा कि आपने कहा कि सड़क पर पानी भर जाता है तो बारिश के दिनों में, तो यहाँ पर एक नगर बिजनौर की जो नगर पालिका है इसकी भी कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है, क्योंकि जो निकासी है नालियों पर जो निकासी है वो साल में एक बार अगर साफ हो गई तो हो गई, उसके बाद दोबारा उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस वजह से बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी भर जाता है। जनता की समस्याओं को मुखरता से उठाया और बताया कि हालांकि कुछ एक दो मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेके जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो चाहे सड़क हो या फिर जल निकासी की हो, लेकिन अगर बात करें सुरक्षा की और कानून व्यवस्था की तो उसमें जरूर बदलाव देखने को मिला है। हालांकि जनता के बीच जो पहुंच हो रही है इस वक्त जनप्रतिनिधियों की, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की, स्टार प्रचारक उतारे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, सपा की तरफ से, अन्य पार्टियों की तरफ से, तो ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तो इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि जब डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, बड़े चेहरे जनता के बीच जाते हैं, तो जनता में विश्वास उत्पन्न होता है कि हमारे बुरे समय में भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ रहेंगे। आपको बता दें कि बिजनौर में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा सीटों में बिजनौर, चांदपुर, नगीना एससी, नजीबाबाद, धामपुर, नूरपुर, नाटोर एससी, बढ़ापुर, ये सीटें शामिल हैं, और इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी को सीटें मिली थी पिछले चुनावों में, जो दावे वादे किए गए थे उसमें ऐसा माना जा रहा है कि लगभग ज्यादातर वादे बीजेपी ने पूरे किए। हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर विपक्ष घेरता रहता है, जैसे बिजनौर की सड़क वाली घटना जिसको काफी उठाया था विपक्ष ने और काफी उछाला भी गया था, जहां नई सड़क बनी थी नारियल फोड़ने जब पहुंचती है तो वहां पे जो है सड़क, तो मतलब कि सड़क टूट जाती है नारियल नहीं टूटता है, तो इस मुद्दे को भी काफी उठाया गया था। और बाकी अगर बात करी जाए, इस बार कई ऐसे जिले हैं जहां पे विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है, कई बड़े नेता प्रचार प्रसार के लिए उतरे और इन्हीं प्रचार प्रसार में कई ऐसी जगह भी रही है जहां पे जुबानी जंग भी तेज रही। वहीं बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, बेहट, नाकोड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर, मनिहारन एससी, गंगो, तो अलग अलग जिलों की अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा दो समस्या जनता उठा रही है, वो है बेरोजगारी और महंगाई। वहीं अमरोहा की बात करें जहां पे दूसरे चरण में चुनाव होना है 14 तारीख को, 4 विधानसभा सीटें हैं, धनौर एससी, नगांव, सादत, अमरोहा, हसनपुर। संभल में भी 14 तारीख को चुनाव होना है जहां पे 4 विधानसभा सीटें हैं, बिलारी, चंदौसी एससी, असमोली, संभल। उसके बाद आता है मुरादाबाद, मुरादाबाद में भी दूसरे चरण में 14 तारीख को मतदान होना है जहां पे 6 विधानसभा सीटें हैं, ठाकुर द्वारा, कांठ, बिलारी, मुरादाबाद शहर, मुरादाबाद ग्रामीण और कुंदर की।
रामपुर में भी जो काफी प्रचलित जिला है, यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं, स्वार, चमरौवा, बिलासपुर, रामपुर, रामपुर मिलख एससी और सांतवा जिला बरेली। अब अगला जिला है बरेली, जहां पे 9 विधानसभा सीटें हैं। 14 तारीख को यहाँ पे भी मतदान होगा। बरेली में भी काफी प्रचार प्रसार किया गया है, 9 विधानसभा सीटें हैं और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर दिग्गज गए प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की और इन विधानसभाओं में बहेरी, मीरगंज, भोजपुर, नवाबगंज, फरीदपुर एससी, बिठारी, चैनपुर, बरेली, बरेली छावनी, औला, ये सीटें हैं। बदायूं में भी 14 फरवरी को ही चुनाव होना है, आज प्रचार प्रसार रुक जाएगा। बदायूं आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे थे, प्रचार प्रसार किया, सरकार पर जमकर निशाना साधा, कई मुद्दे उठाए। यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 3 जगह पे अखिलेश गए थे, जनसभा करी और सहसवान, शेखुपुर, बिसौली एससी, बदायूं सदर, बिलसी, दातागंज, ये विधानसभा सीटें हैं बदायूं की। शाजापुर में 14 तारीख को चुनाव होना है, दूसरे चरण में शाजापुर भी शामिल है, 6 विधानसभा सीटें हैं, कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुवाया एससी, शाजापुर और ददरौल, ये विधानसभा है जिनमें 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटें, जिनमें 14 तारीख को चुनाव होना है, मतदान होना है। और हम भी अपील करते हैं कि लोग अपने मत का महत्व समझें, अपने मत का प्रयोग करें और अच्छी सच्ची सरकार को चुने। जिसको आप अपना मतदान देना चाहते हैं उन्हें अपना मतदान जरूर दें, ऐसा ना हो कि आपका मतदान खराब हो। तो 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव है 14 तारीख को, आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। अब हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, संबल से मुबारक अली जुड़ चुके हैं और बदायूं से राजन पाठक जुड़ चुके हैं इसी खबर में। बदायूं में जिस तरह से चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है, राजन क्या कहेंगे, जिस तरह से दमखम देखने को मिला है पक्ष और विपक्ष दोनों का, क्या जनता इससे प्रभावित होगी या फिर जो है जो निर्धारित पहले से वोट निर्धारित तो होते हैं उन्हीं पक्ष में जाएगा? मैम चुनावी रैली में ज्यादातर कहाँ भी बदायूं जिले में देखने को मिला, जो भी बीजेपी के प्रत्याशी थे उनका ही जोर दावा यहाँ पे भारी पड़ रहा है। जो पहले ही वोटिंग थी जनता की राय का ये कहना है, हमें गुंडागर्दी नहीं, विकास चाहिए और साफ सफाई चाहिए, इसी विकास को लेकर हम वोटिंग करेंगे। जी संबल से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं मुबारक अली। मुबारक, किन मुद्दों को देखते हुए इस बार जनता अपना मतदान देगी? आपको बता दूं जनपद संबल में 4 विधानसभा सीटें हैं और कड़ी 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 टक्कर है और यहाँ पे और उससे जनता का ये कहना है विकास पे, विकास के मुद्दे पे चुनाव चुनाव करेंगे। चुनाव जनता ने ये भी बताया है, बोले जनता समझ चुकी है और जो चुनाव करना है विकास के मुद्दे पे करेंगे। जी राजन, जिस तरह से चुनावी प्रचार देखने को मिला, कई दिग्गजों को उतारा गया है, किसानों को साधने की पूरी कोशिश की गई है, तो क्या ये कोशिश ये काम आएगी या फिर सपा जिस तरह से जयंत चौधरी को साथ लेके चल रही है तो जयंत चौधरी के चेहरे पे वोट मिलेंगे सपा को, क्या लगता है? आपको बता दूं जनपद संबल के जो यहाँ पे जो यहाँ पे कोई वो नहीं है, जितना समाजवादी का गढ़ माना जाता है संबल, संबल 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 जिला और इस पर 4 विधानसभा पे एक पे बीजेपी की टक्कर, बीजेपी की और समाजवादी की टक्कर है और दूसरी पर बीएसपी की और समाजवादी की टक्कर है और आइए अतमोली पे बीएसपी की और समाजवादी की टक्कर है और दूसरी पर गिन्नौर पे बीजेपी की और समाजवादी टक्कर और यहाँ पे काफी दिक्कत नेता यहाँ पे सभाएं करने आए हैं और आज पूनम पंडित कांग्रेस की तरफ से आई थी और बीजेपी बीजेपी से सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे और केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी आए थे यहाँ पे और यहाँ पे अखिलेश आने की कोई परमिशन नहीं मिली है और माना जा रहा है और ओबीसी पांचवी बार। जी राजन जी, जिस तरह से इस बार के चुनाव देखने को मिल रहे हैं बीजेपी और सपा के बीच टक्कर देखने को मिल रही है और गठबंधन जो कर रहे हैं, सपा ने जो गठबंधन करे हैं वो चाहे ओपी राजभर हो, जयंत चौधरी हो, इसका क्या परिणाम देखने को मिल सकता है, क्या जनता इस गठबंधन पे विश्वास करेगी? राजन जी मैम, आप मुझसे सुन पा रहे हैं? बहुत भारी पड़ रही थी,
लेकिन वहां के बताएंगे पूर्व मंत्री आदित्यनाथ ने बीएसपी को समर्थन दिया है, जहां पे सपा के सामने बीएसपी भारी पड़ रही है। तो यहाँ पे सपा और बसपा में ज्यादा देखने को मिल रहा है टकराव, या फिर भाजपा और सपा में, क्या कहेंगे राजन? मैम भाजपा और बसपा में देखने को मिल रहा है जिला बदायूं में। जी, और बसपा का कैसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बदायूं में? बसपा का प्रदर्शन मैम बहुत अच्छा आ रहा है और बीएसपी का भी अच्छा आ रहा है, लेकिन सपा का बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो पूर्व मंत्री थे आबिद रजा, उन्होंने अपना समर्थन बीएसपी को दिया है। जी, बदायूं में मुख्य मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर जनता चल रही है और चुनाव में अपना मतदान करेगी? मुख्य मुद्दे मैम विकास को लेकर हैं, साफ सफाई को लेकर हैं, गुंडागर्दी खत्म हो इसको लेकर हैं। जी, तो चुनावी की पूर्ण तैयारी कर ली गई है, जगह जगह सीआरपी तैनात करा दी गई है। जी राजन, जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड इस बार बीजेपी ने तैयार किया, उसके बाद कई ऐसे प्रत्याशी थे जिनके टिकट कटे हैं, तो क्या लगता है जिन चेहरों को इस बार मौका दिया गया है तो वो अब की अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जनता उन पर विश्वास करेगी या फिर जनता दूसरी पार्टी पे विश्वास करेगी? बिल्कुल मैम, यहाँ पे जनता एक ही तरफ देखने को मिल रही है, बीजेपी पे पूरा भरोसा जता रही है जनता और बीजेपी की सरकार आने वाले समय में चाह रही है जनता। जी मुबारक अली, जिस तरह से इस बार के चुनाव काफी अहम है, पिछली बार योगी मोदी की लहर थी, लेकिन जो ये विधायकों का प्रत्याशियों का काम था उससे जनता संतुष्ट ज्यादा नजर नहीं आ रही है, तो क्या इस बार भी बीजेपी के चेहरे को देख के अपना वोट देगी जनता, या फिर जो है प्रत्याशियों के काम को देख के वोट देने वाली है जनता? राजन, जिस तरह से इस बार चुनाव है और काफी दिलचस्प होता जा रहा है, तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में कुछ नया देखने को मिलेगा? जितना प्रचार किया गया है बड़े बड़े दिग्गजों द्वारा, तो क्या इसका सीधा असर पड़ेगा या फिर इस बार परसेंटेज बढ़ेंगे वोटिंग के या घटते हुए नजर आएंगे, जनता क्या चाहती है? अधिकारियों ने बहुत तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है, चुनाव बहुत देखने तजुर्बा वाला है, यहाँ पे जनता किसको वोट करेगी और किन किन मुद्दों पर वोट करेगी यही जानने के लिए हम 14 तारीख की पूरी तैयारी कर रहे हैं, सारे अधिकारी अलर्ट कर दिए गए हैं, पोलिंग बूथों पर सारी व्यवस्था कर दी गई है, कोरोना गाइडलाइन की भी पालन किया जाएगा। जी मुबारक अली, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है जिले में, क्या तैयारियां पूरी हो चुकी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने को लेकर, जनता को जागरूक करने को लेकर, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है जिले में? आपको बता दूं प्रशासन ने कड़ा इंतजाम कर रखा है और जगह जगह प्रशासन लगा रखा है, तो चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जो डीएम संबल ने कहा ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए और कड़ी कोई कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ जो कई जगह बीजेपी के नेताओं को कड़ी मतलब उसका सामना करना पड़ रहा है, और जो आगे कई गाय आगे करती है, और दूसरी तरफ और कई कई काले झंडे दिखाए गए हैं, और कई कई जगह समाजवादियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और कई कई जगह उन्होंने चुनाव प्रचार की बात की गई है। जी राजन, ईवीएम खराब होने की प्रशासन ने उनसे हाथ भी जोड़े हैं, उनसे ये भी कहा कि आप मतदान कीजिए और हम जहाँ भी काम करने को रह गया है वहाँ पे काम कराएंगे। जी बिल्कुल मुबारक राजन, जिस तरह से ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आती हैं और हमने पहले चरण के चुनाव में भी देखा सुबह से ही ईवीएम खराब होने की कई जगह से खबरें सामने आई थी, क्या कुछ तैयारियां दूसरे चरण के लिए, क्या ईवीएम की जांच पहले ही कर ली गई है, क्या ईवीएम जांच के बाद ही लगाई जाएगी, स्टॉक में कितनी ईवीएम रखी जाएगी ताकि जो मतदान है वो प्रक्रिया रुके ना और सुचारू रूप से चलती रहे? राजन मुबारक अली, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरी तैयारी की जाती है चुनाव से पहले, क्या ईवीएम की जांच की गई है इस बार, क्या जो दिक्कतें सामने आती है उसको दूर करने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई, स्टॉक में एक्स्ट्रा ईवीएम रखी गई है, सुरक्षा के इंतजाम के बारे में भी जानकारी चाहेंगे? सर आपको बताओ आपको बता दूं और जनपद संबल में ईवीएम पहले ही चेक कर ली गई है, और पूरे चुनाव के टाइम पे तो कुछ कुछ ईवीएम खराब भी होती है, और जहां प्रशासन ने पूरे कड़े इंतजाम कर रखे हैं, जहां ईवीएम खराब होगी वहां पे तुरंत बल दी जाएगी। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों संवाददाता का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संभल से संवाददाता मुबारक अली और बदायूं से संवाददाता राजन पाठक जुड़े थे। दोनों ने अपनी अपनी बात बताई है और बताया है कि इस बार कौन कौन से मुद्दे को लेकर जनता सक्रिय है। रोजगार, साफ सफाई, स्वच्छता, शिक्षा, यही तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता इस बार अपना वोट करेगी। और कई कमियां देखने को मिल भी रही हैं, पुरानी जिस तरह से व्यवस्था देखने को मिली है, जनता परेशान दिखी है, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जनता इस बार जो नए प्रत्याशी उतारे गए, नए चेहरे उतारे गए या फिर पार्टी ने गठबंधन किया है, सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करेगी। फिलहाल इसमें इस चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।